प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के राजकोट में एक रैली को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि गुजरात के लोगों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। इस दौरान पीएम मोदी ने पिछले 8 साल में किए गए कामों का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि हमने कोरोना में लोगों को सुविधाएं देने का काम किया। वैक्सीन के लिए किसी को भी 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ा। इन 8 सालों में हमने किसी भी भारतीय का सिर झुकने नहीं दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजकोट के एटकोट में नवनिर्मित माटुश्री केडीपी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। राजकोट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो भी किया। उनके स्वागत में सड़क के दोनों किनारे बड़ी तादाद में महिलाएं खड़ी थीं। देवबंद में जमीयत उलेमाए हिंद का जलसा चल रहा है। अधिवेशन के मंच से बोलते हुए जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि आग से आग को नहीं बुझाया जा सकता है, प्यार से ही नफरत को हराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हमें उकसाया जा रहा है, हमारे ही देश में हमें ही अजनबी बना दिया गया है। उन्होंने कहा कि बेइज्जत होकर खामोश रहना कोई मुसलमान से सीखे। कहा कि देश में नफरत का बाजार सजाया जा रहा है। नफरत का जवाब नफरत और आग का जवाब आग से नहीं दिया जा सकता। पहले दिन की बैठक में 3 रेजोल्यूशन पास हुए। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद, कुतुब मीनार विवाद के साथ अन्य तमाम इमारतों को लेकर हो रहे कानूनी मुकदमों के बीच इस बैठक का काफी महत्व है। मंदिर मस्जिद और मूर्ति विवाद में अब आगरा के किले का विवाद सामने आया है। मथुरा कोर्ट में एक नई याचिका दायर की गई है, जिसमें दावा किया गया है कि किले के अंदर देवी देवताओं की मूर्तियों को दबाया गया है। किले में दीवाने खास के पास ठाकुर केशव देव की मूर्ति दफन की गई है। ये मूर्तियां साहिबा मस्जिद की सीढ़ियों पर दबाई गई हैं। ऐसे में हिंदू पक्ष ने अर्जी देकर अपील की है कि उनकी मांग को सुना जाए और ASI सर्वे के जरिए हकीकत सामने लाया जाए। बकायदा मथुरा कोर्ट में इसके लिए याचिका देकर हिंदू पक्ष ने सुनवाई की अपील की है और दावा किया है कि किले के अंदर साहिबा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे मूर्तियां दफन है, जिसे बाहर निकाला जाए। उत्तराखंड के चंपावत विधानसभा पर हो रहे उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार चरम पर है। CM पुष्कर सिंह धामी के समर्थन में आज UP के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। CM योगी ने टनकपुर में रोड शो कर धामी के समर्थन में वोट मांगे। समर्थन स्थल पर पहुंचते ही लोगों ने योगी योगी के नारे लगाने शुरू किए। मुख्यमंत्री धामी के चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे CM योगी के रोड शो के दौरान बुलडोजर फिर छाया रहा। CM योगी ने भी लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। CM योगी ने कहा कि धामी चुनाव जीतेंगे, इस बात पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन जब तक सफलता हाथ में ना आ जाए तब तक हमारा प्रयास जारी रहना चाहिए। चंपावत उपचुनाव के लिए 31 मई को वोटिंग होनी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया TV News Google Play Store या App Store पर।